तो ये कह रहे हैं कि भाई जो डिसएडवांटेज था 4 जून के नतीजों में, अजीत पवार वाला फैक्टर, जिसको खुल के स्वीकारा भी गया और बताया भी गया कि वोट पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ, सिर्फ 50% बमुश्किल हो पाया, आपको लगता है आप ये ठीक हो गया है, आप सब सही रहेगा, आप जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई अजीत पवार जो 10% सीटें मुस्लिम कैंडिडेट को देने का दावा करते हैं, जो कहते हैं सेकुलरिज्म किसी भी कीमत पे बचाऊंगा, वो महायुति का एकदम मजबूत हिस्सा है? देखो, डेमोक्रेसी में हर किसी को अपने पार्टी में किसको चुनाव का टिकट देना है वो उनका अधिकार है। अजीत दादा पवार को अगर चुनाव में अपने दल से किसको टिकट देना है वो निर्णय वो कर सकते हैं। महायुति का नारा बहुत स्पष्ट है कि हम प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, हम विकास के लिए काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव का हमारा नारा एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में, अजीत दादा पवार के नेतृत्व में यही है कि हम प्रगति वाली सरकार है। और 2.5 साल जो शरद पवार जी के साथ उद्धव ठाकरे जी और नाना पटोले जी की सरकार थी वो स्थगिति वाली सरकार थी, वो स्थगिति में भरोसा करते थे, हम प्रगति में भरोसा करते हैं। और लोग जिसके पास होप्स है, विकास की दृष्टि है, विश्वास है, उसी का साथ देते हैं और लोग हमारा साथ देंगे। चलिए, लोग तो साथ दे देंगे, और जब फिर किंग मेकर की बात आएगी तो मुंबई का किंग कौन बनेगा? शिंदे साहब, सॉरी फडणवीस जी, मुंबई का किंग कौन बनेगा? शिंदे साहब, फडणवीस जी, या फिर उद्धव जी का भी कोई चांस है? नहीं, उद्धव जी तो रेस में भी नहीं है, लेकिन मुंबई का किंग कौन है तो मुंबईकर है। उस मुंबईकर के हाथ में, उस बटन में इतनी ताकत है कि जिसने हर बार जो सोचा है वो करके दिखाया है। जब बाला साहब थे तब उसने बाला साहब के प्रति वोट दिखाया है। जब उद्धव जी अपने पार्टी की कमान संभालने लगे तब बीजेपी को नंबर वन का वोट दिया है। जब कॉरपोरेशन में उद्धव जी अहंकार को लेकर आए कि मैं इस अलायंस में सड़ गया हूं, अब मैं किसी के दरवाजे पर नहीं जाऊंगा, तो उनको 130 से 84 पे लाके रख दिया है। ये ताकत जो है मुंबई का किंग मुंबईकर है और उसकी उंगली में है। चलिए, मुंबई का किंग तो मुंबईकर है, लेकिन महाराष्ट्र का सीएम कौन? महाराष्ट्र का सीएम एकनाथ शिंदे जी है। नहीं नहीं, इसके बाद 23 तारीख के बाद उसका सवाल भी क्लियर है। हाँ। एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में ही चुनाव के नतीजे आने के बाद हमारे तीनों पार्टी के, चारों पार्टी के नेता बैठेंगे, केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे और निर्णय करेंगे। पर पूरी लड़ाई तो बड़ा भाई बनने की थी ना? सॉरी, बड़ा भाई, आप लोग तो बड़ा भाई की, बिग ब्रदर की भूमिका भाई है ना, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उनके तरफ आजकल चल रहा है वो वॉर चल रहा है भाई। वो नाना पटोले संजय राउत को खुच के मार रहे हैं, वो भाई वॉर, गैंग वॉर। हमारे यहाँ पर भाईचारा, हम एक दूसरे को भाई मानते हैं। पिछली बार बलिदान दिया था पार्टी के लिए फडणवीस जी ने, नंबर वन से नंबर टू बनना स्वीकार कर लिया था। इस बार अगर नतीजे आपके हक में आए तो नंबर वन की कुर्सी पर उनकी दावेदारी? देखिए, हर पार्टी को लगेगा अपना आदमी सीएम बने, उसमें गलत क्या है? एकनाथ जी के दल के लोगों को एकनाथ जी सीएम बने लगना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता ये सोचता है, उसने मेहनत भी की है, परिश्रम भी किए, नंबर आंकड़े भी साथ में, तो हमको लगता है देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने उसमें भी गलत क्या है? अजीत दादा के लोगों को भी लग सकता है कि वो मुख्यमंत्री बने, उसमें भी अलग बात नहीं है। लेकिन व्यवहारता का नेतृत्व ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथ एकनाथ जी के नेतृत्व में ही हम लोग बैठेंगे और निर्णय करेंगे। चलिए, जरा दीपक जी की भी इस पर राय जान लो। बड़ा दिल दिखाया था, बड़ा भाई होने के बाद भी देवेंद्र फडणवीस जो है नंबर टू की कुर्सी पर काबिज होने पर राजी हो गए थे। देखिए, अब शिंदे जी को अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, क्या वो भी बड़ा दिल दिखाएंगे? ये तो एक ऐसी युति है जिसमें कोई भी ये नहीं सोचता कि मेरा सिंबल क्या है। देखिए, पालघर की सीट दे दी, उसके साथ अपना कैंडिडेट भी बीजेपी ने दे दिया शिवसेना को, और उसको जीता के भी लाए। ऐसी स्थिति आज कुडाल कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, वहाँ पे शिवसेना का सिंबल दे दिया बीजेपी के, हालांकि वो बीजेपी के कैंडिडेट ओरिजिनली थे। तो ऐसी वाली दोस्ती महाविकास आघाड़ी में बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज़ आपने पूछी कि मुंबई का किंग कौन है, मुंबई का किंग मुंबई की जनता तो है ही, लेकिन मराठी सचमुच में मुंबई की क्वीन है, किंग है, क्योंकि मराठी लोगों ने एक बलिदान दिया इस मुंबई को महाराष्ट्र में लाने के लिए। और जब महाविकास आघाड़ी की सत्ता थी तो इसी मराठी को नई मुंबई में भेजा दिया जाता था। चार हमारे जो कॉरपोरेशंस हैं उनको नवी मुंबई में भेजने की बात उन्होंने तय की थी। आज जो मराठी भवन बनेगा मुंबई में वो सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग रहेगी मरीन ड्राइव की, और वो हमारी सरकार बना रही है। मराठी भाषा धोरण हमारे सरकार ने दिया, इस
16 साल से मराठी भाषा धोरण नहीं बन रहा था, वो हमारी सरकार ने दिया। मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा हमारी सरकार ने दिया। हम लोग बाला साहब के विचारों पे चलते हैं, ना कि सिर्फ बाला साहब का नाम लेते हैं। हमने ये करके दिखाया और ये हकीकत है। आज हमारे यहाँ के युवक जर्मनी में जाएंगे, उनको यहाँ की सैलरी 20,000 है और वहाँ की 3 लाख है। आज तक किसी ने नहीं सोचा। आज तक मुंबई और स्टुटगार्ट सिस्टर सिटी रह चुके हैं। किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा कि मुंबई में गरीब लोग रहते हैं, उनको जरूरत है नौकरी की और अच्छी नौकरी की। इन यहाँ पे आज बहुत सारे युवक हैं। कितने युवकों को मालूम है कि हमारे सरकार ने ऐसा एक एग्रीमेंट बनाया बेडन न्यूटनबर्ग के पास। ये पूरी लिस्ट आप पढ़ सकते हैं, लेकिन लोकसभा के नतीजे भी हमारे पास है ना। देखिए, अगर इतना अच्छा हुआ था सब कुछ, इतना रोजी और पिक्चर परफेक्ट था, तो नतीजे अगर आपके हक में नहीं आए तो कुछ ना कुछ इसका जवाब भी उन्होंने दिया। लेकिन मैं उसको जोड़ दूं, आंकड़ों में देखना है तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए, सबसे ज्यादा वोटर्स जिसने वोट किया मुंबई में कौन से दल को किया है? महायुति को किया है। महाविकास आघाड़ी से 2 लाख वोट हमको ज्यादा पड़े हैं। और उन्होंने जो बताया वो सच बात है कि एक लोकसभा के एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में पोलराइजेशन इस तरीके से करो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 70,000 का लीड ले लो और वो लोकसभा जीत जाओ। इस पोलराइजेशन के कारण हार सीटों पर हुई है। रुझान और वोटों में मुंबई में हम महाविकास आघाड़ी से 2-2.5 लाख वोट से आगे हैं। ठीक है, चलिए इसी बात को मैं आपसे आगे समझना चाहूंगी कि उद्धव ठाकरे जी ने अब अपनी सोच बदली, साथी बदले और रंग भी बदल दिया। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि भाई वो अपने साथ मुस्लिम को लाने में कामयाब भी रहे, मुस्लिम वोटर्स ने उनको वोट किया है, तो उसका तोड़ आपके पास क्या है, उसका काउंटर आपके पास क्या है? देखिए, हम इस काउंटर फाउंटर में नहीं जाते। ये उद्धव ठाकरे जी की रणनीति जो है, मैं राजनीतिक तरीके से कह रहा हूं, व्यक्तिगत तरीके से नहीं, इस तरीके की रणनीति उनकी पार्टी का एनकाउंटर कर लेगी और हमारे को इस काउंटर में जाना नहीं है। हम तो सबका साथ सबका विकास के लोग हैं। हमने रोड बनाया तो सबके लिए बनाया, हमने घर बनाए तो सबके लिए बनाए, हमने पानी का नल दिया तो सबके लिए दिया, हमने अगर बिजली दी तो सबके लिए दी। हमने ये नहीं सोचा कि कंपार्टमेंटल वोट के लिए इस पर्टिकुलर धर्म और जाति के लिए हम अलग स्कीम बनाएंगे। हम तुष्टिकरण की राजनीति का भरोसा नहीं करते। हम टीपू सुल्तान की जयंती नहीं मनाते। उद्धव ठाकरे जी ने सीधे सीधे ये हमला हमारे ऊपर नहीं, कांग्रेस पर किया है। ये हमला उनका समाजवादी पार्टी पर है। वो उनका वोट छीनना चाहते हैं, वो उनका वोट छीन के अपनी वोट की बात करते हैं। चिंता तो कांग्रेस और समाजवादी को होनी चाहिए। हमारे साथ तो महाराष्ट्र का मराठी, हिंदू और विकास के काम करने वाला हर मुंबई का महाराष्ट्रीयन हमारा वोटर है और इसके लिए हमें उसकी चिंता नहीं है। हम विकास के रास्ते उसको साथ में लेके जाएंगे और हमने ये तब भी कहा है कि विकास और प्रगति यही सबको साथ में लेकर ऊपर चल सकती है और तुष्टिकरण की राजनीति ये अपने आपस में बंटवारा कर सकती है और इसके लिए तो लोग बैनर लगा रहे हैं, जो बैनर आपको भी पता है।